हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर साइंस टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। इसमें हमने आपको एसिड एंड बेस के बारे में बता दिया था। अब आती है बात साल्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल सबस्टेंसेस। न्यूट्रल सबस्टेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर, जो न्यूट्रल सबस्टेंस होते हैं नीदर, ये ना तो जो है एसिडिक होते हैं, ना तो जो है ये बेसिक होते हैं, बल्कि ये जो है प्रकृति में न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, ऑक्सीजन, शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि हमारा वाटर, अल्कोहल, ऑक्सीजन, शुगर एंड जो साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, ये सब हमारे जो है न्यूट्रल सबस्टेंस होते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। एक एसिड और एक बेस, जब दोनों को हम जो है जो एक एसिड होता है और एक बेस ले लीजिए आप, और दोनों को जो है अगर हम मिक्स करते हैं तो वो ईच अदर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वहाँ से क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एक एसिड और बेस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। When an acid and a base react, they form salt and water. जब हम एक एसिड और जो है एक बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो वो साल्ट एंड वाटर बनाता है। Along with the evolution of heat, उसके साथ हमें हीट की भी नीड होती है। द साल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल इन नेचर। जो साल्ट होगा वो जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। नीचे देखिए एक रिएक्शन दी जा रही है, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर प्लस हीट। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या गिव्स होता है, क्या मिलता है, साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा प्लस हीट। इसी के नीचे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है मतलब इसका फॉर्मूला होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है NaOH, इसका फॉर्मूला होता है। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो गिव्स क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, वाटर मतलब H2O। तो जो हमारा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है ये हमारा क्या है, साल्ट है। नमक का फार्मूला होता है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद देखिए इंडिकेटर्स, द सबस्टेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सबस्टेंस एसिडिक आर बेसिक इन नेचर आर नोन एज इंडिकेटर्स। देखिए वे पदार्थ जो यूज किए जाते हैं किसी भी दूसरे पदार्थ को पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है नेचर में, तो उन्हें हम इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, मतलब सूचक के नाम से। वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट लिटमस पेपर एंड इंडिकेटर। हमने इस चैप्टर में अभी आपको जो है एसिड और बेस के टेस्ट में बताया था कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो हमारा जो है एक इंडिकेटर होता है, जिसे हम सूचक के रूप में यूज करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जो लिटमस पेपर होता है ये चेंज कर लेता है अपना कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अदर एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, मेथिल ऑरेंज, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, फेनाफ्थलिन एक्सेट्रा। देखिए इसमें जो है यहाँ पर और एग्जांपल इंडिकेटर्स के दिए जा रहे हैं, जैसे कि टर्मरिक मतलब हल्दी, मेथिल ऑरेंज हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गए जिसे गुड़हल बोलते हैं, और जो है फेनाफ्थलिन एक्सेट्रा, ये सब हैं। अब इसमें आता है नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट, जो लिटमस होता है ये लाइकन प्लांट से मिलता है। इट इज मेयू पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड नेचुरल वाटर, ये जो है पर्पल कलर का हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर में। इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, और जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो ये जो है रेड हो जाता है। एंड टर्न्स ब्लू, और ये ब्लू हो जाता है व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये जो है ब्लू हो जाता है। जनरली टू टाइप्स ऑफ लिटमस इन द फॉर्म ऑफ पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन आर अवेलेबल, रेड एंड ब्लू लिटमस। जो है साधारणतः तो दो ही तरीके का जो है लिटमस पेपर अवेलेबल है, एक जो होता है जो सॉल्यूशन में जो है मतलब रेड, और जो है ब्लू लिटमस आता है जो कि जो है कलर अपना चेंज करके बता देता है कि एसिड है या बेस है।
नेक्स्ट इसके बाद आती है बात टर्मरिक पाउडर, जिसका हम लोग यूज करते हैं। वी यूज टर्मरिक पाउडर इन किचन एज फूड इंग्रेडिएंट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। जो हमारा टर्मरिक पाउडर है, जिससे हम लोग किचन में जो है एक मसाले के रूप में यूज करते हैं, खाने का एक ये जो है आवश्यक तत्व होता है, ये या यूज होता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। टर्मरिक, इसका नाम है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा इजा राइजोमेटस हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट ऑफ द जिंजर फैमिली। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू ड्रॉप वेजिटेबल ऑन योर वाइट शर्ट, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन वॉश्ड विद सोप। देखिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर से बताते हैं। टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर कह रहा है कि टर्मरिक पाउडर आप सभी जानते हैं कि हल्दी क्या होती है, इसे हम लोग किचन में जो है खाने में मसालों के साथ में इसे डालते हैं, तो ये जो है एक ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, टर्मरिक का यहाँ पर देखिए नाम बताया गया है कुरकुमा लौंगा इजा राइजोमेटस हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट ऑफ द जिंजर फैमिली। ये जो है जिंजर फैमिली का एक जो है पेरेनियल प्लांट है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा जब कभी आप लोग जो इसे खाना खा रहे हैं और उसमें जब सब्जी जो होती है अगर वो वाइट शर्ट पर गिर जाती है, या उसका मतलब जो है मसाला या सब्जी आपके वाइट शर्ट में लग जाती है, तो अगर आप उसे जब धुलते हैं, जब उसमें साबुन से उसे धुलते हैं, तो वो तुरंत जो है रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, मतलब वो रेड कलर में कुछ कुछ चेंज हो जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है मतलब वो उससे क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब वो शर्ट में जब मतलब वो लगती है, उसके बाद जब साबुन होता है, वो जो होता है वो हमारा जो है बेस होता है, तो ये उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, तो ये जो इसमें रेड कलर दे देती है। नेक्स्ट है चाइना रोज। चाइना रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ श्रबी चाइनीज रोज। जो चाइना रोज है ये हमें मिलता है श्रबी चाइनीज रोज से, रोजा चाइनीसिस। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द गुड़हल पेटल्स इन वार्म वाटर फॉर सम टाइम। ये बनाया जाता है गुड़हल की जो पेटल्स होती हैं उनको गर्म पानी में कुछ टाइम के लिए रखकर, आफ्टर सम टाइम द सोल्यूशन बिकम कलर्ड। उसके बाद जो सोल्यूशन होता है वो कलर्ड हो जाता है एज एंड एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, और ये जो है इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है। इन एडिशन टू लिटमस टर्मरिक एंड चाइना रोज, फिनॉफ्थलिन एंड मेथिल ऑरेंज आर आल्सो यूज्ड वाइडली इन लेबोरेटरी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गई, चाइना रोज हो गया, फिनॉफ्थलिन हो गई एंड मेथिल ऑरेंज हो गए, ये सारे जो है लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं इंडिकेटर के रूप में। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी जा रही है, टेबल 5.3 बिलो गिव्स कलर ऑफ वेरियस इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यहाँ पर कुछ नाम दिए जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि एसिड और बेसिक में ये कैसे जो है चेंज अपना करते हैं कलर। फर्स्ट है इंडिकेटर हमारा टर्मरिक, जब ये एसिडिक मीडियम में होगा तो येलो चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम में होगा तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिनॉफ्थलिन देखिए कैसे होता है, फिनॉफ्थलिन जो होगा ये चेंज हो जाता है जब एसिडिक मीडियम में होगा तो कलरलेस, और बेसिक मीडियम में होगा तो पिंक में हो जाएगा। ब्लू लिटमस आप सभी जानते हैं, अगर एसिडिक होगा तो रेड और बेसिक होगा तो ब्लू। मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रहेगा और बेसिक मीडियम में जो है येलो हो जाएगा। रेड लिटमस अगर आप लेते हैं तो जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड रहेगा और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा। चाइना रोज जो होगा वो जो है एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक मैजेंटा कलर का हो जाएगा, और जो है बेसिक मीडियम में जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स दिए गए थे जिन्हें अगर हम एसिड में करेंगे तो वो इन कलर में जो है चेंज हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है, और जो है अगर वो बेस में होंगे तो वो जो है इधर वाले टेबल के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, रिमेनिंग टॉपिक विल बी टॉट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। See you next video.